शिमला के गोठान स्थित डोमेश्वर देवता अपनी जातर लेकर शिमला के आए। ऐतिहासिक रिज पर सब कुछ थम गया। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, जिला प्रशासन के अफसर, शिमला नगर निगम की मेयर और पार्षदों के साथ हजारों लोगों ने न सिर्फ देवता का आशीर्वाद लिया बल्कि देवता की भव्य आरती में भी उपस्थिति भरी। देवता के कारदारों ने बताया कि ये जातर का चौथा चरण है जो एक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरा होगा। शिमला के रिज पर अरसे बाद देव परंपरा का ये रूप देखने को मिला है। देखिए देवता के स्वागत को कैसे उमड़े लोग और क्या कहते हैं देवता के कारदार। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि देवता के आशीर्वाद और लोगों के सहयोग से हम डोम देवता के सभी कार्यक्रमों को आयोजित करने में सफल रहे हैं। डोम देवता का इतिहास प्रदेश रियासत के सरा गाँव के साथ जुड़ा हुआ है और ये जो अभी कार्यक्रम चल रहा है इसकी शुरुआत महा अप्रैल में गुठान से हुई थी और ये जातर का चौथा चरण है। गुठान में एक यज्ञ जिसको बढ़ातर कहा जाता है वो आयोजित किया जाएगा जिसमें सभी रियासतों के पूर्व शासक होंगे, स्थानीय देवी देवता होंगे और वो सभी लोग जहां देवता ने भ्रमण किया है इस यज्ञ में सम्मिलित किए जाएंगे और उनको बुलाया जाएगा। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए शिमला से रमन शर्मा। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल माहौल कुल्लू, जहां आपके बच्चों को मिलेगा सुनहरा भविष्य। बढ़िया यातायात सुविधा के साथ केजी के छात्रों को फ्री बस सुविधा। सिंगल डॉटर चाइल्ड को किताबें फ्री तो दो बच्चों की एडमिशन पर भारी छूट। प्लस वन में एडमिशन पर 50% डिस्काउंट। फर्स्ट क्लास से कंप्यूटर शिक्षा का प्रावधान और लैब के साथ साथ बढ़िया लाइब्रेरी। यही नहीं, HPCA से संबद्धता प्राप्त क्रिकेट अकेडमी। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चों की सीट बुक करवाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल माहौल कुल्लू।